झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई कार्यवाही के लिए दरबार में पधार रही हैं। इस लच्छो बाई ने जब से ही अफू वाला पान खिलाया है, सर चक्की की तरह घूम रहा है और आंखें तो दो ही है पर सब कुछ चार चार दिखाई दे रहा है। आज इस दरबार में गैर कानूनी तरीके से महल के प्रांगण में सुरंग बनाने पर कार्यवाही होने जा रही है, क्योंकि ये कार्यवाही एक राजघराने के सदस्य पर की जा रही है। इसीलिए राजघराने के कुछ लोग, तात्या टोपे जी, राजगुरु जी, अंग्रेजी अफसर कैप्टन रॉस और उनके भाई लेफ्टिनेंट रॉब, कुछ विशेष लोग ही सम्मिलित होंगे। उसके अतिरिक्त आप सभी दरबारियों से यह आग्रह किया जाता है कि आप सभी लोग बाहर चले जाएं। कार्रवाई आरंभ की जाए। योर एक्सलेंसी, आज मैं केवल एक ब्रिटिश ऑफिसर नहीं बल्कि आपके अच्छे फ्रेंड की हैसियत से यहां खड़ा हूं। हम ब्रिटिश जासी के लिए हमेशा खड़े रहे हैं इन द बेस्ट एंड द वर्स्ट ऑफ टाइम, और जासी को प्रोटेक्ट किया है हर एक एनिमी से, चाहे वो अंदर के हो या बाहर के। पर फिर भी हमारे पीठ में चूरा क्यों गोपा जाता है? कैप्टन रॉस, आप बातों को घुमाइए मत। तो कहना चाहते हैं साफ साफ कहिए। मैं बातों को क्यों घुमाऊंगा योर एक्सलेंसी? मेरा सर अभी तक घूम रहा है। जब से मैंने देखा कि महल के बैकयार्ड में टनो, एंड वो भी रेल रोड के डायरेक्शन में, लच्छो भाई साहब का बेटा अली बहादुर इस झांसी के किंगडम का एक स्टेक होल्डर था। एंड रानी सकुबाई साहब भी इस थ्रोन के एक दावेदार थी ड्यू टू हर ग्रैंडसन। पर जब डिसीजन लेने का राइट हम ब्रिटिश को मिला, तब हमने इस थ्रोन के लिए आपको चुना विदाउट थिंकिंग फॉर अ सेकेंड। और सिर्फ अथॉरिटी नहीं, हम आपको एक हैंडसम सैलरी भी दे रहा है, और बदले में हमें क्या मिला? इतना बड़ा धोखा। हम दिन रात काम करके इस रेल रोड सिस्टम को बना रहे हैं सिर्फ इंडिया की प्रोग्रेस के लिए, और इस रेल रोड सिस्टम और इस प्रोग्रेस का धजिया उड़ाने के लिए इतना बड़ा टनल बनाया जा रहा था, और वो भी मेरे फ्रेंड की महल में। एंड हु वाज मेकिंग दिस टनल? मेरे फ्रेंड के वाइफ। Your Excellency,
मैं ट्रीजन के इस केस को शुरू करना चाहता हूं अगेंस्ट द क्राउन क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। और अगर वो गिल्टी पाई जाती है तो उनसे झांसी की महारानी का पोजीशन वापस ले लिया जाए। और फिर वो झांसी की रानी कभी नहीं खिलाएगी। पर अभी वो दोषी साबित नहीं हुई है कैप्टन रॉस। पहले आप ये साबित कीजिए कि सुरंग बनाने के पीछे महारानी का हाथ है। योर एक्सीलेंसी, क्वीन को कई बार लेट नाइट महल से बाहर जाते हुए और वापस आते हुए देखा गया है। उन्हें टनल के अंदर भी देखा गया है। और केवल देखा नहीं गया है, उन्हें रेल रोड प्रोजेक्ट को बर्बाद करने की प्लानिंग करते हुए सुना भी गया है। और जब हम ब्रिटिश विडोज को बचाने आए थे तभी भी हमारी क्वीन को टनल के पास से चुपचाप करके जाते हुए देखा गया है। या अल्लाह, इतनी सारी बातें रॉस साहिब को कैसे पता चल गया? खुदा बस खता ना करे इन्होंने कोई जासूस तो नहीं छोड़ रखा है। रानी जानकी बाई के होते हुए किसी जासूस की क्या आवश्यकता है? अब देखिए रॉस साहेब का इंग्लिश दिमाग कैसे रानी लक्ष्मी बाई को दिन में तारे दिखाता है। कैप्टन रॉस, क्या आपको यकीन है कि जिन्हें बार बार देखा गया वो महारानी ही थी? यस योर एक्सीलेंसी, आई एम 100% श्योर। और मेरे पास क्रेडिबल विटनेसेस भी है जो साबित कर देंगे कि झांसी की प्रोग्रेस को मिटाने के पीछे कोई और नहीं, झांसी की महारानी ही है। अरे वाह, रॉस साहेब तो पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अब कहीं हमारी महारानी दासी ना बन जाए। धोखे का खेल चरम पर, हमें भरोसा है सिर्फ हम पर। गवाहों को पेश किया जाए। योर एक्सीलेंसी, मेरा पहला गवाह काशी। तो काशी, तुम्हें तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे मदर फादर ने सच बोलना सिखाया है ना? तो आज सबके सामने बताओ कि सच क्या है। डरो नहीं, हम सब हैं तुम्हारे साथ। हे महादेव, कितनी कठिन घड़ी है। कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपने महारानी साहब के खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी।
अपनी सिस्टर और पेरेंट्स को जिंदा देखने हैं तो कल कोर्ट में जाकर क्वीन और टनल से जुड़ी जितनी बातें जानते हो वो सब सच सच बता देंगे। वरना तुम समझ गए ना? महारानी साहब का हाथ है सुरंग बनाने के पीछे। और तुम्हारा हाथ, तुम तो बहुत बड़ी फॉलोअर है ना क्वीन की, तो उनकी हेल्प कैसे करती थी? हम महारानी साहब के कदमों के निशान मिटा दिया करते थे जब वो सुरंग से वापस आती थी। आखिर सब सामने आ ही गया, अब तो महारानी लक्ष्मीबाई गई। योर एक्सेलेंसी, वैसे तो मेरे पास और भी विटनेसेस है, पर काशी जो क्वीन की पर्सनल अटेंडेंट है उसकी गवाही ही काफी है ये प्रूव करने के लिए कि क्वीन ही गिल्टी है और वो झूठ नहीं बोलती। अब देर कैसे योर एक्सलेंसी, जल्दी से आप फैसला सुना दीजिए। आज आपकी परीक्षा की घड़ी में यदि आपको लगे कि दरबार में आप असत्य या आधे सत्य का मार्ग चुनना चाहती हैं तो वो अधर्म नहीं होगा, क्योंकि उसका परिणाम बहुमूल्य है, परतंत्र देश की स्वतंत्रता। सहसा विदित न क्रियां विवेकाह परमा पदांग पदम, अर्थात जल्दबाजी में बिना सोचे समझे किया गया कार्य विपत्ति को जन्म देता है। इसलिए महाराज को भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझ कर लेना चाहिए। और रही बात गवाही की, तो जैसे चमकने वाला हर पत्थर हीरा नहीं होता, ठीक उसी प्रकार सुनाई देने वाली हर कहानी सच्ची नहीं होती। पर काशी कोई कहानी नहीं सुना रहा है, गवाही दे रहे। असली गवाही क्या होती है वो आप जैसे नकली लोग क्या समझेंगे कैप्टन रॉस? एंड व्हाट डू यू मीन बाय असली गवाही? धैर्य रखिए, अभी पता चल जाएगा। ये लोग काशी की फैमिली को यहां कैसे ले आए? ये लोग कौन है और कहां से आ गए? योर एक्सलेंसी, क्वीन हम लोगों का टाइम वेस्ट कर रही है। अपने दिमाग पर इतना जोर मत डालिए कैप्टन रॉस, ये कौन है इसका जवाब काशी देगी। और वैसे भी कुछ क्षण पहले ही आपने कहा था ना कि काशी झूठ नहीं बोलती, इसलिए सच सुनने के लिए तैयार हो जाइए। ये हमारे आई पापा हैं। पेरेंट्स हो या कोई भी हो, यहाँ क्या लेने आए हैं? लेने नहीं, देने आए हैं गवाही। योर एक्सीलेंसी, ये गवाही कैसे दे सकते हैं? ये तो विलेज में रहते होंगे ना, इनके महल से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। महल से नहीं है तो क्या हुआ,
आपके सबसे पहले और मजबूत गवाह से तो है ना। योर एक्सलेंसी, मेरे गवाह ने सब कुछ सच सच बोल दिया है और अब ये आपके सच का रहस्य खोल देंगे। हम काशी के माता पिता से अनुरोध करते हैं कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं निसंकोच होकर सबके समक्ष कह सकते हैं। महाराज, ये अंग्रेजी अफसर हमारे घर आया और हमारी बेटी काशी को धमकाया। महाराज, महादेव जानते हैं, कल रात ये फिरंगी हमारे घर आकर हमें धमकी देकर गया और कहा कि अगर हमने महारानी के खिलाफ गवाही नहीं दी तो ये हमारे आई बाबा और हमारी बहनों को मार डालेंगे। इसलिए डर के मारे हमने महारानी के खिलाफ गवाही दे दी। रानी लक्ष्मीबाई, ये सब आप कैसे जानती हैं? काशी ने हमें बताया। आज सुबह काशी हमसे मिलने आई थी और मिलते ही फूट फूट कर रोने लगी। इसके हाव भाव को देखकर हमें संदेह हो गया कि काशी हमसे कुछ छुपा रही है। जब हमने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा, क्या हुआ काशी? कुछ नहीं मालूम। कोई तो बात है, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो, बताओ ना काशी, क्या हुआ? हमें माफ कर दीजिए महारानी साहब, लेकिन आज हमें आपके खिलाफ गवाही देनी पड़ेगी। माले जानते हैं, इसके पीछे हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है। सबसे पहले रोना बंद करो और बताओ कैसी मजबूरी? हम आपको नहीं बता सकते। तुम्हें हमारी सौगंध है काशी, अब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। कल रात वो रॉब साहब हमारे घर आए थे और उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हमने आपके खिलाफ गवाही नहीं दी तो वो हमारे माँ बाबा और हमारी बहन को मार डालेंगे। ये फिरंगी हैवान है, हैवान। पर तुम चिंता मत करो, हम है ना काशी, हम तुम्हारे परिवार के साथ अत्याचार नहीं होने देंगे, हम वादा करते हैं। पर रॉब ने जैसा कहा है तुम वैसा ही करना। कैप्टन रॉस, ये सब कुछ जो हम सुन रहे हैं क्या वो सच है? I don't know ये लड़की क्या कह रही है। क्या? कुछ क्षण पहले ही तो इनकी भाषा आपको साफ साफ समझ में आ रही थी, अचानक आप मंद बुद्धि हो गए या ना समझी का नाटक करने लगे। इस रानी लक्ष्मीबाई ने तो सारा खेल पलट दिया। कितनी बार समझाओ तुम्हें, क्यों किया ये सब? I can't believe this, कि मेरा भाई ऐसे काम कर सकता है। Get out of here. तुमने सिर्फ मेरी इमेज की नहीं पूरी ब्रिटेन की इमेज की डजिया उड़ा दी। दूर हो जाओ मेरी नजरों से वरना। Get lost. Your Excellency, I'm sorry. Extremely sorry. मेरा भाई बिल्कुल बेवकूफ है, कुछ भी करने से पहले सोचता ही नहीं। प्लीज उसे माफ कर दीजिए। उनकी बेवकूफी किसी दिन आपके लिए महंगी ना पड़ जाए कैप्टन रॉस, ये ध्यान रखिएगा।
आप लोग निसंकोच यहां से जा सकते हैं। हमारे राज्य में आप बिल्कुल सुरक्षित हैं। प्रणाम महाराज। चलो बेटा काशी। लीजिए ये बाजी तो महारानी लक्ष्मीबाई जीत गई। अब रॉस का क्या होगा? कार्यवाही आगे बढ़ाई जाए। यस योर एक्सलेंसी। जितना बड़ा क्राइम उतने ज्यादा एविडेंस। काशी ने बताया वो क्वीन के फुटप्रिंट्स वाइप किया करती थी। अब काशी पर यकीन नहीं कर सकता है, पर उन फुटप्रिंट्स पर तो कर सकते हैं ना। कहां है ये पैरों के निशान? बिल्कुल वही जहां से क्वीन एंटर किया करती थी। मैंने यहां कोर्ट आने से पहले मेरे आंखों से देखा था। योर एक्सलेंसी प्लीज मुझे परमिशन दे दीजिए। मैं उन फुटप्रिंट्स को क्वीन के पैरों से मैच करना चाहता हूं और इससे हमें साफ साफ पता चल जाएगा कि क्वीन चुप चुप कर टनल बनाने जाती थी या नहीं। रानी जानकी भाई साहब, इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। तू लेकर चलिए। हाँ? आपने अफीम का पान खिलाया ना, आप लेकर चलिए। या अल्लाह, ये तो बिल्कुल होश में नहीं है। होश में होंगी कैसे? सारा होश तो अफू के पान के साथ चबाकर खा गई रानी जानकी भाई। चलिए लेकर चलते हैं। मैं संभाली। अगर आप इन पैरों के निशानों की बात कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे पैरों से कुछ ज्यादा ही बड़े हैं? ये साबित हो गया है कि ये पैरों के निशान महारानी के नहीं हैं। पर महाराज ये निशान किसी स्त्री के तो हैं। साहब हम चाहते हैं कि आप तीनों अपने पैर इस निशान से मिलाकर देखें। हमें जांच करनी है। गलती करे आप और जुर्माना भरे हम क्यों करें जांच? जब हमने कुछ किया ही नहीं तो हम इस जांच पड़ताल का हिस्सा क्यों बने? या अल्लाह, हम तो आपकी छोटी आई साहब है ना, अब हमारे ऊपर शक कैसे कर सकती है? मैंने साहब, हम आप तीनों से अनुरोध करते हैं कि जांच में सहयोग करें।
महाराज, ये पैरों के निशान तो छोटिया ही साहब के पत्रान से मिल रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि छोटिया ही साहब ने ये सुरंग बनाई है। या अल्लाह, आप सब हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? खुदा बस खता ना कराए, देखिए हमारे हाथ कितने नाजुक है। सुरंग तो बहुत दूर की बात है, हम तो अफू पान की सुपारी भी नहीं तोड़ सकते अपने इस मखमली हाथों से। हमें नहीं लगता कि छोटी बहन साहब ऐसा कोई कार्य कर सकती हैं। कैप्टन रॉय साहब का ये सबूत भी व्यर्थ निकला। अब हमें दरबार लौटना चाहिए। It seems रानी लक्ष्मीबाई से पहले इन तीनों स्टूपिड रानियों से निपटना पड़ेगा। भगवान, क्या कर रही है? आपके पैर इधर ही है ना? हाँ, फिर आपके पैरों के निशान यहाँ कैसे आ गए? या अल्लाह, जानकी बाई साहब, अब हम आपसे अपनी खूबियाँ क्या छुपाए? वो क्या है ना, हमें बचपन से जासूसी का शौक है और आज हमने अपने तरीके से जांच किया है कि महारानी छुप छुप के कैसे आती है, कैसे जाती है, उनके कदमों के निशान कैसे पड़ते हैं। इसी जासूसी के चक्कर में शायद हमारे कदमों के निशान यहाँ रह गए होंगे। सही सुना है हमने, जब कोई गधा जासूस बन जाता है ना, तब जीती हुई बाजी भी हार जाते हैं। हमने भी सुना है, जब कोई बेवकूफ इंसान बंदर बनकर पेड़ पे चढ़ता है तो मुंह के बल गिरता है। खुदा बस खता ना कराए, हमने भी सुना है कि जो दौड़ता है ना वही गिरता है, और जो बैठे बैठे तमाशा देखता है वो सिर्फ दूसरों की खामियां निकालता रहता है। हमारी कोशिशों की तारीफ करने की जगह आप दोनों हमारी खामियां निकाल रहे हैं। चलिए। अरे कहाँ जा रही है, यहाँ जाना है, संभल कर चलिए। हे देवा, ये तो अच्छा हुआ काशी ने छोटी आई साहब को पेड़ पर चढ़ते देख लिया और सही समय पर हमें बता भी दिया, वरना इस बाजी को छोटी आई साहब की दिशा में मोड़ना बहुत कठिन हो जाता। योर एक्सलेंसी, मैं मानता हूँ कि हो सकता है मेरे ब्रदर रॉब ने विटनेस को धमकी दी, और ये फुटप्रिंट्स भी क्वीन के नहीं है, बट अगर इन दोनों ही एविडेंस से ये प्रूफ नहीं होती कि क्वीन गिल्टी है, तो ये भी प्रूफ नहीं होता कि वो इनोसेंट है। पर ये जरूर साबित होता है कि बिल्कुल आपके अस्तित्व के समान खोखले हैं आपके सबूत। ठीक है, तो मैं कोर्ट के सामने ऐसे विटनेस प्रेजेंट करने जा रहा हूं जो इस केस के हर पॉइंट को क्रिस्टल क्लियर कर देगा। बिकॉज ऑफ हर सीनियोरिटी, गवाह पेश किया जाए। योर एक्सलेंसी, एंड माय नेक्स्ट विटनेस इज रानी जानकी बाई, जिन्होंने खुद अपनी आंखों से क्वीन को देखा था टनल में, एंटर करते भी और टनल के अंदर भी। रानी जानकी बाई जी ने हमारी सुरंग को देख लिया है। इधर देंगी रानी जानकी बाई गवाही और उधर होगी आपकी तबाही। रानी लक्ष्मीबाई अब कैसे बचा पाएगी आप अपने रानी का पद?